फाइनली नहीं गए, हम लोग रूम पर आ चुके हैं और कपड़े भी चेंज कर रहे हैं और हम लोग खाना खा रहे हैं। आज खाना तो ऐसे ही हो गया, फास्ट फूड खाया नहीं है और आज मैंने भी लग गए और पूछ भी नहीं रहे भाई, तो खा ले भाई, कोई मतलब ही नहीं है रे। और अच्छा देखो ये आते हुए खाने में पहन गए, ये क्या चीज है, तंदूरी मटन मोमो लेके आए हैं अपने में। और मिल ले थुप्पा खाए बोलो, मिल ले थुप्पा और छुपा रखा है नैनीताल का, आप भी खाओगे थोड़ा। देखो अब हम लोग अपना खाना फिनिश करते हैं फटाफट, फिर मिलेंगे कल सुबह, अभी नहीं मिलेंगे आप, अब सीधे कल सुबह मिलेंगे है ना। कल सुबह नैनीताल का व्यू दिखा देंगे आप लोगों को फिर से दोबारा। चलो गाइस अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे कल सुबह, टाटा बाय बाय। फाइनली गाइस ये है आर्मी का गेस्ट रूम नैनीताल में, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर रूम है और आप लोग अगर नज़दीक में हो या यहाँ पर घूमने के लिए आ रखे हो तो ये रूम आप लोग ले सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। या और यहाँ से सामने में लेक का व्यू दिख रहा है गजब वाला, और कोई भी यहाँ पर आ सकता है, तुरंत आए तुरंत बुकिंग स्टार्ट हो जाती है। और यहाँ से लेक का व्यू देखो कितना गजब का लग रहा है, सामने में मल्ली ताल दिखे और नीचे ये है तल्ली ताल में, ये देखिए काफ़ी गजब लग रहा है भाई। गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। सबसे पहले आप सभी का स्वागत है मेरे नए ब्लॉग में। आज का ब्लॉग स्टार्ट हो रहा है नैनीताल से, नैनीताल के गेस्ट हाउस आर्मी गेस्ट हाउस, और अभी हम लोग जा रहे हैं यहाँ से चेकआउट करके नैनीताल घूमने के लिए। नाइट स्टे हमने यही किया था, इसका पूरा वीडियो आपको देखने को मिल जाएगा। अगर आप लोग भी नैनीताल आना चाहते हैं तो बिल्कुल आप लोग वो वीडियो देख लेना, क्योंकि आपको बिल्कुल सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। और एक बार आपको नैनीताल का व्यू दिखाते हैं, मॉर्निंग का व्यू नैनीताल का काफ़ी ज़्यादा अच्छा हो रहा है। सुबह सुबह ही काफ़ी ज़्यादा सैलानी घूमने के लिए बाहर रोडों में निकल चुके हैं होटलों से, और यहाँ पर से लेक का व्यू काफ़ी गजब का लग रहा है। आप लोग देख सकते हैं सामने में है लेक, ऊपर है मल्लीताल और ये है तल्लीताल। तल्लीताल में हमें मिलता है गेस्ट हाउस सामने में, जहाँ पर थैंक यू लिखा हुआ गेट में, यही गेस्ट हाउस है ताल के बिल्कुल सामने। और यहाँ से ऊपर आके हमें रूम मिल जाएंगे, काफ़ी अच्छे अच्छे रूम हैं यहाँ पे। और ये देखिए ये है यहाँ का गेस्ट हाउस, ऊपर आप लोग देख, इसके ऊपर होटल भी है, अगर होटल लेना चाहते हैं तो होटल भी मिल जाते हैं, लेकिन गेस्ट हाउस में अगर आप लोग आर्मी पर्सन है तो गेस्ट हाउस में रुकने की कोशिश करें, काफ़ी ज़्यादा अच्छे हैं। और यहाँ से लेक का व्यू तो बहुत ज़्यादा गजब का है। और चलते हैं नीचे की साइड, टाइम लगभग अभी 9 बज रहा है और 9 बजे इतनी चहल पहल हो रही ना बहुत ज़्यादा। देखो यहाँ से देख सकते हैं नैनीताल का गजब का नज़ारा, हम तो नैनीताल के ही रहने वाले हैं तो हमें यहाँ का सब कुछ सेम ही लगता है, लेकिन जो लोग बाहर से आते हैं ना उनके लिए एक नया है, तो आप लोग देख सकते हैं। चलो मैं चलती हूँ नीचे और वहाँ जाके मिलते हैं आप लोगों को। ये है यहाँ का मेन गेट और इधर पे है यहाँ की पार्किंग। बाहर निकल चुके हैं आर्मी कैंप से और बाहर से बिल्कुल मेन रोड है, और यहाँ से ना यहाँ का नज़ारा बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है और काफ़ी ज़्यादा चहल पहल देखने को मिल रही है बिल्कुल सुबह सुबह। गेस्ट रूम से बाहर निकलते हुए सामने में नाव लगी है, अगर हमें बोटिंग करनी है तो हम लोग यहाँ पर बोटिंग कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा लोग सुबह सुबह ही यहाँ पर बोटिंग करने लगे हैं, आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ से चारों तरफ से व्यू देखो एकदम गजब का है, और ये है तल्लीताल, ऊपर जो दिख रहा है वहाँ है मल्लीताल, और सारे बीच में हैं बाज के पेड़। देखो ये पूरे यहाँ से यहाँ पूरा नैनीताल शहर बसा हुआ है। और इधर साइड है जू, वो ऊपर जाएंगे तो वहाँ पर है जू, ये है आर्मी कैंप जहाँ पर हम लोग रह सकते हैं, मेन यही है। फाइनली गए हम लोग मॉर्निंग में ही नैनीताल में बोटिंग करने लग गए हैं, और बिल्कुल सुबह सुबह का टाइम है, टाइम लगभग 10 बजने वाला है, और अभी हमने सोच लिया कि सुबह ही बोटिंग शुरू कर लेते हैं। बोटिंग का चार्ज यहाँ पे है, अगर आधे तक जाते हैं तो 320, अगर पूरा राउंड करना है तो 420 दो जनों का, काफ़ी अच्छे रेट हैं, तो इससे अच्छा हम भी कर लेते हैं और सुबह सुबह शुरुआत करते हैं बोटिंग से। पतिदेव गए हैं गाड़ी रखने के लिए अंदर,
उसके बाद हम लोग करेंगे यहाँ से बोटिंग। और प्यारे से बतख दिख रहे हैं देखो सामने में बहुत सारे। फाइनली फतेहदेव चढ़ गए हैं नाव में और अब देखते हैं। मुझे तो डर भी लग रहा है क्योंकि मैं कभी बैठी नहीं हूँ तो बहुत ज़्यादा नर्वस हो रही हूँ। देखती हूँ भैया चले जाएँ क्या। ये देखो इनने जैकेट भी पहन ली है और ये हैं हमारे साथ आज हमें घुमाने वाले भैया। चलो चलते हैं फिर देखते हैं आगे क्या होता है। और सामने का व्यू देखो बहुत गजब का लग रहा है। फाइनली वो टाइम आ गया। ऐसे रहो यार। फाइनली हम लोगों ने बोटिंग स्टार्ट कर ली है। अब थोड़ा सा हम लोग वहाँ से आगे आ गए हैं तलीदा से। अब जाएंगे हम ऊपर की साइड को, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। फर्स्ट टाइम बैठी हूँ तो थोड़ा अजीब सा लग रहा है मुझे। और पीछे से देखो कितना मस्त व्यू आ रहा है, बहुत गजब का हो रहा है। और चलो चलते हैं और देखते हैं आगे का कैसा रहता है। ये देखिए ये है नैनीताल का व्यू। ये हैं हमारे भैया आज के जो हमें घुमाने वाले हैं। गाड़ी से कहाँ से जाते हैं? स्कूटी से। जहाँ से सीधे जाओगे ना वो हाँ। पल्लीताल हाँ। वहाँ पे मस्जिद आ जाके हाँ। मस्जिद से अंदर वाला टनल होके राइट टर्न है एक अंदर को, वो सीधा वाटरफॉल जाता है। और सुनो सबसे जो लास्ट पॉइंट है ना वो वाटरफॉल झर रहा है। अच्छा। उसी रोड में सारे पॉइंट है मतलब। अच्छा। केव गार्डन, नैनीताल वाले दर्शन, ये सारे आपको रास्ते में पड़ते रहे। अच्छा। जहाँ जहाँ दुकानें लगी होंगी थोड़ी मार्केट टाइप। तो हमें फिर वापस यहीं आना पड़ेगा हल्द्वानी जाने के लिए? नहीं वहाँ से निकल जाना, वाटरफॉल जाओगे ना वाटरफॉल से बाईपास कटा है थोड़ा सा नीचे जाके। अच्छा। 500 मीटर नीचे। अच्छा। वाटरफॉल वहाँ से एक बाईपास कटा है, फिर आपको सिटी में नहीं आना है, वहीं से वहीं आना। अच्छा। देखो भैया ने यहाँ की जानकारी भी दे दी हमें। देखते हैं कहाँ कहाँ जाते हैं फिर। सामने वाले भी बोटिंग कर रहे हैं देखो मस्त। और इधर वाले भी, और आसमान में लगे हैं बादल। आ जाओ रे जिस जिसको नैनीताल। ये देखिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और अगर ऐसे देख लो भैया पूरी जानकारी दे रहे हैं हमें। फिर बोट को कंट्रोल करना मुश्किल होता होगा। नहीं, बोट तो कुछ नहीं होता। अच्छा। ये तभी तो ऐसे डिजाइन करी गई है, आधी हवा तो ऊपर से बस। अगर इस साइड को भी आएगा तो यहाँ तक आ जाएगा। ऐसे में अगर अपोजिट में आएगा तो बोट ऐसे ऐसे टेढ़े में नहीं होती। वैसे लहर में मजा आता होगा। यहाँ से कट हो जाएगा क्या इधर को? हाँ, ये ड्रम लगे हैं। गिर गया पूरा नैनीताल में। अभी 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 बिल्कुल क्लीन था और अभी देखो बिल्कुल मौसम खराब हो चुका है। अभी पीछे साइड नहीं हो रखा, एक यहाँ से लेंगे फोटो एक। अब ना थोड़ा बहुत ठंडा भी लगने लग गया है और पूरे नैनीताल में कोहरा लग चुका है। एक बार आपको दिखाते हैं, पीछे भी पूरा कोहरा लग गया, आगे साइड क्या है ना सुबह सुबह बिल्कुल कोहरा आ चुका है। पहाड़ क्या है, काफी ज्यादा मजा आ रहा है बोटिंग करने में। मैंने फर्स्ट टाइम की यहाँ से ऐसा कुछ है। सामने में भी एक बोट।
फाइनली गाइस पूरा फॉग लग गया है और सामने वाली नाव भी बिल्कुल नहीं दिख रही है। देखो कितना खतरनाक वाला फॉग लग गया है सुबह सुबह। और ये देखिए वाटरफॉल में चल रहे हैं। हमारे धमोरी का पाना होने वाला है। हमारे वहाँ भैया बहुत बड़े वाटरफॉल हैं। है लेकिन बरसाती का है ना उधर ही का वाटरफॉल तो यहाँ हर गधेरे में वाटरफॉल। हाँ वही तो हमारे समय में करीब अभी आ गए हैं हम अपनी यात्रा पूरी करके बोट से और अब हम आ गए हैं सामने यहाँ पर से बोटिंग स्टार्ट हो रही है। बस पहुँच गए हैं यहाँ पर। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है और बस यहाँ से एक बार खड़ी बोटिंग कर ली है। अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं बाहर। अभी हम निकल गए यहाँ से बाहर। गाइस नैनीताल में आप किसी भी सीजन में आ रहे हो ठंड गर्मी बरसात किसी भी सीजन में आ रहे हो तो स्वेटर जरूर करके लाना जैकेट या स्वेटर क्योंकि यहाँ पर ना अभी हम लोग जुलाई के महीने में आए हैं तो इतना ठंडा लग रहा है ना कि हालत ख़राब हो गई। अभी मेरे पीछे दिख रही है आपको नाव और यहाँ पर ना बारिश स्टार्ट हो गई है थोड़ा बहुत बूंदाबांदी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब हो गई है। ये देखो लोग ना जैकेट पहन के चल रहे हैं। ये देखो नैनीताल का ठंडा गजब का ठंडा है।